वर्तमान में बोर्ड परीक्षा संचालित हो रही है, जिसके अंतर्गत कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। इसी के चलते लगातार बागली एसडीएम शोभाराम सोलंकी के मार्गदर्शन में परीक्षा केंद्रों पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। शुक्रवार के दिन कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर था। इसी के दौरान एसडीएम शोभाराम सोलंकी एवं तहसीलदार विवेक सोनकर द्वारा परीक्षा केंद्र चापड़ा पहुंचकर केंद्र का निरीक्षण किया। यहां की व्यवस्था का निरीक्षण भी किया गया। अन्य परीक्षा केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनुविभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले सभी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। सोलंकी ने बताया कि केंद्रों पर शांतिपूर्ण बोर्ड परीक्षा संपन्न हो, उसी को लेकर लगातार प्रशासन अमला केंद्रों का निरीक्षण कर रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।